अभी मैंने पीछे रेस्टोरेंट में पता किया था, इनके ना अलग ही रूल बना रखे हैं। बोलते हैं हमारी पंचायत नहीं अलाउड कर रही, किन्नौर नहीं अलाउड कर रहा, अब मनाली में अलाउड कर रहे हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं कर रही है, तो चेक पोस्ट पे कैसे आने दे दिया मेरे को फिर कि आप जाओ कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोरोना की रिपोर्ट है तो। इनके अलग ही रूल है, अपने हिसाब से चल रहे हैं, हम नहीं आने देंगे। अच्छा यार पूरा देश खुल गया, इनको ज्यादा ही दिक्कत है, और इतनी बदतमीजी से बात करते हैं, नहीं यहाँ नहीं रुक सकते आप। ना मैंने होटल मांगा, ना मैंने कुछ पूछा इनसे, मैंने ये बोला मेरे पास टेंट है, मैं गांव से इधर दूर लगा लूं, नहीं नहीं रुकने देंगे आपको, प्लेंटी लगी इनके पास, आपका राज है बताओ प्लेंटी लगेगी इनको। इन्होंने पूरा हिमाचल ही खरीद लिया इन लोगों ने, गांव वालों ने, गांव के बाहर भी रुको तो भी इनको दिक्कत है बताओ। अच्छा इन लोगों की, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, ये पंचायत में चाहते हैं ना अपना ही रूल बना के रखते हैं लोग, इनको देश के रूल से कुछ नहीं लेना। अभी हिमाचल सरकार अलाउड कर रही है कि अगर आपके कोरोना का टेस्ट है तो आप जा सकते हो, ये अपना अलग ही बना रहे हैं, हमारे प्रधान नहीं अलाउड कर रहे हैं, पता नहीं क्या है ये। चलो कहीं और देखते हैं, वो साइड निकलते हैं अगर उस साइड कोई दिक्कत ना हुई तो। वैसे भी हम वेले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काम वाम तो सब बंद पड़े हैं हमारे। चलो ओके, हेलो फ्रेंड, मैं शाम को ना यहाँ से चल पड़ा था शांगला से, मैंने लेट इतना इसलिए हो गया कि मेरे फ्रेंड मिल गया थी मैंने इतने, अभी फैमिली ने आया था पर होटल कोई नहीं दे रहा थी उन्होंने, मैंने कहा था फैमिली सी उन्होंने चल देता उन्होंने होटल, पर मैंने उन्होंने होटल नहीं देता, टेंट लाने तक जगह भी नहीं थी उधर। तो हूँ मैं चलिया वापस शिमला साइड, की पता शायद शिमला रुका नहीं था, घर निकल सकता वापिस, देखते बाकी कब तक पहुंचता शिमला। टाइम शाम के बजे आ 6:30, सड़क देखो कितने खतरनाक ने पहाड़ा दी रात में, एकदम नेरा ही नेरा देखो। नेरा नेरा एकदम कुछ भी नहीं दिखता फिर। चलो बाकी मैं तुम्हें अपडेट दिना, अगे रुकण का प्रोग्राम से पर इतने पिंड वाले अलाउ ही नहीं करते, गाँव वाले ना चांगला च ना रेस्टम च ना चिटफुल च, की कर सकते ते होर कितने जा नहीं सकते क्योंकि परमिट नहीं है। इतने आ गए वाहेगुरु की इन्नी मेहर बहुत, नाले अपने थोड़े सारे लिए कॉन्टेंट बन गया, एक बहुत वधिया वीडियो बना ली थोड़े सारे लिए देखने जेडे नहीं आ सके। बाकी वीडियो नू लाइक तो सब्सक्राइब जरूर करो प्लीज, तो शेयर भी करो। गाइड में शिमला के पास ही हूँ, 2 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए, देखते हैं बाकी मौसम काफी ठंडा हो गया, मैं रुकने वाला नहीं अब कहीं, अब सीधा घर ही पाऊंगा लुधियाना, उधर जाके रेस्ट करांगे हम। मैं सीधे चल 6:30 बजे, हाँ 6:30 बजे चलिया सी रस्टम तो, देखते कितना टाइम लगता, सवेरे पहुंचा 5 या 6 बजे तक। चलो बाकी मैं तुम्हें अपडेट दूंगा अगे, और जो भी प्लान चेंज आऊंगा जी।
मथुरा से फिर लुधियाना। अब मैं पहुंच जाऊंगा, अभी 6 बजे है, 8 बजे तक, 8:30 तक घर पहुंच जाऊंगा। फिर बाकी अपडेट करता हूँ घर जाके आपको, और वीडियो अपलोड करूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, भूलना मत। और भी वीडियो आएंगी, कम से कम 4 या 5 वीडियो सबको देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज। तो आप चंडीगढ़ देखो, मैं बार बार से निकल रहा हूँ, जीरकपुर होते हुए सीधा राजपुरम, तो वो और भी रास्ते जाने के, फिर ये फास्टेस्ट रूट आ रहा था, गूगल बहन जी बता रही है। चलो मैं आगे अपडेट करता हूँ, अभी चाय वाय पिए, थोड़ी सी नींद आ रही है। लो भी दोस्तों, ये पुल क्रॉस करते मैं लुधियाना में एंटर कर जाऊंगा। ये अगर आपको बाहर से निकलना है फिरोजपुर की तरफ, तो ये वाला आपको हाईवे पकड़ना पड़ता है। ये खन्ने से आते हो या बाहर से ऐसे टर्न लेके आप सीधा लुधियाना के बाहर से निकल सकते हैं, और ये एंटर करते आप लुधियाना में एंटर कर जाते हैं, ये पुल क्रॉस करते। तो मैं लुधियाना में एंटर कर गया, तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। टेक केयर, बाय। अब आगे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना।